फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू प्रीतिज वर्ल्ड। आज है दिन सैटरडे और मॉर्निंग का टाइम है। बहुत ही खिली खिली हो रही है आज धूप। आज क्या डेली धूप रहती है। और हम कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट। मम्मी चली गई हैं। कहाँ गई हैं मम्मी? गई हैं अपने भाई के, मामा जी के यहाँ। तो पास में ही रहते हैं वो, तो मम्मी गई आज मामा जी के। और नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, आलू गाजर रखी थी थोड़ी, तो उसका बनाया मैंने सैंडविच, तो वो मैं खा रही हूँ। हमारी मेड आज भी नहीं आई। और चीकू देखिए कहाँ बैठी है। इसने ना ये नीचे डाल लिए गद्दियाँ और ये यहाँ पर बैठी है। चीकू आप क्या कर रहे हो? ना फेंकती हूँ। क्यों बैठे हो चेयर पर? बैठते हैं। नहीं मैं ना फेंकती हूँ। ओके। हाँ जी बाबूजी। भरवा शिमला मिर्च बनाई है अभी। और बच्चों को भी आज दोनों को नहलाया मैंने। तो अभी क्या ना, मौसम तो गर्म हो गया है, मतलब तो बड़े बच्चों के लिए, उन्होंने तो डेली नहाती है नित्या। बट चीकू उसको मैं नहीं नहलाती हूँ अभी, क्योंकि वो भी थोड़ी वीक है, तो उसको ना सर्दी गर्मी बहुत जल्दी होती है। तो अभी मैं उसको ना होली तक एक दिन छोड़कर एक दिन नहला रही हूँ। बाकी नित्या डेली नहाती है, क्योंकि उसको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और चीकू के ना स्कूल में है एनुअल फंक्शन 3 मार्च का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कल हम जाएंगे बुआजी के और आश्रम, दो जगह। तो ये वाला व्लॉग में ना 2 दिन का मैं सोच रही हूँ, कल का भी और इसमें भी इंक्लूड कर दूँगी। यार ज़्यादा कुछ नहीं है करने को, इसलिए मे भी मैं ज़्यादा शूट ना करूँ। एक लॉट मैंने कपड़ों का चलाया हुआ है, वो मैं सुखा दूँगी, क्योंकि कल फिर हमें सुबह ही निकलना है, आश्रम भी जाना, बुआजी के भी। तो कल मैं कपड़े नहीं दूंगी। परसों है नित्या का एग्ज़ाम इंग्लिश का, तो ऑलमोस्ट मैंने उसकी तैयारी करा दी है, पर फिर भी थोड़ा लगता है ना कि करा दे पूरी। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर चीकू कर रही है अपना होमवर्क। चीकू दिखाओ, करो करो करो, उधर से उधर से। ये करो। तो यहाँ पर चीकू करीब ना होमवर्क, और नित्या को मैं अभी जस्ट पढ़ा के आई हूँ नीचे, वो नीचे ले गई थी अपनी बुक्स वगैरह। और अभी मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, मैं थक गई सुबह से। और ना मेरी ना फिंगर में लग गई थी जो, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, पता है फिंगर में ऐसे 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 जो होता है ना, वो बहुत तेज़ हो रहा है। मुझे लग रहा है जब मैंने बैंडेज लगाई है ना, तो टाइट हो गई मेरे ना, बहुत ज़्यादा फिंगर ऐसे 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 लुप 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 कर रही है वो ना। ये ना मैं पता नहीं क्या काट रही थी कल, मुझे चाकू लग गया एकदम से ना, और वो लगा तो इतना सा कटा, पर उसमें बहुत दर्द हो रहा है। और अभी ये बैंड मुझे खोलनी पड़ेगी, मेरी इरिटेशन हो रही है, मेरी बहुत ज़्यादा फिंगर सांस ले रही है। मेरी फिंगर सांस ले रही है, तो मम्मी की फिंगर पे चोट लग गई है, तो मम्मी ने ना पे मेमोरी आई है। हाँ, और मेरी फिंगर की हार्ट बीट भी बहुत तेज हो रही है, तो मम्मी की हार्ट में तेज हो रही है, तो मम्मा के हार्ट में, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और शाम को लगी थी छोटी छोटी भूख, तो थोड़े से ना गोलगप्पे बचे हुए थे और आटे के थे ये गोलगप्पे। सूजी के ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे गोलगप्पे, तो मैं ना ज़्यादातर आटे के ही मंगाती हूँ अपनी वजह से। तो यहाँ पर आटे के गोलगप्पे थे, तो डैडी और मैंने अपने लिए, मतलब डैडी और अपने लिए मैंने लगाया यहाँ पर दही सोट के गोलगप्पे, क्योंकि पानी तो ख़त्म हो गया था और ज़्यादा दिन ना पानी रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें एसिड वगैरह बन जाता है, फिर वो टेस्ट चला जाता है। तो और ना जो मैंने स्टफ शिमला कैप्सिकम बनाई थी, भरवा शिमला मिर्च जो बनाई थी, उसकी स्टफिंग थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा उसको ना गोलगप्पों में फिल करके उसके ऊपर दही और चाट मसाला वगैरह और जो खट्टी मीठी सौंठ होती है घर की बनी हुई वो और हरी चटनी डालकर मैंने ये भरवा गोलगप्पे बनाए थे। तो थोड़ी थोड़ी मैंने स्टफिंग भरी है, उसके बाद मैंने इसमें दही डाली है, तो थोड़ी सी ही दही थी, फिर मैंने दही को भी थोड़ी थोड़ी दही डाली थी इसमें और चाट मसाला डाला था, जो ये भी चाट मसाला घर का बना हुआ है, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी खट्टी मीठी जो सौंठ होती है इमली की वो, और हरी चटनी और जो जीरो नंबर की ये भुजिया होती है ना, ये भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो बहुत ही टेस्टी ये बने थे गोलगप्पे भरवा, और आप चाहे तो इसमें प्याज वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर मेरा ना ऐसे ही खाने का मन कर रहा था, मतलब कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो गोलगप्पे थे तो हमने सोचा कि गोलगप्पे खा लिए जाएं। तो बस डेथ थोड़े से एक प्लेट मैंने डैडी को लगा करके दी थी और एक प्लेट मैंने अपने लिए लगाई थी, देखिए कितने यम्मी गोलगप्पे लग रहे हैं। उसके बाद ये हो गया था सीधा रात का टाइम, तो मैंने ना सब्जी में बनाया था यहाँ पर सिंपल सा घिया, बिल्कुल कम मसालों का, जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला था और इसमें घिया डाल दिया था। और बाद में ना इनको सिंपल घिया तो पसंद नहीं है, तो मैंने इनका टमाटर में फ्राई कर दिया था। तो ये हो गया था हमारा डिनर, सिंपल घिया और चपाती, तो डिनर भी हमारा रेडी हो चुका था। वेलकम बैक टू प्रीतीज वर्ल्ड। अभी है मॉर्निंग का टाइम और बज रहा है मॉर्निंग के 8 o'clock और हम निकल गए हैं ग्वाजी के घर के लिए, और हमारा प्रोग्राम था 7 बजे निकलने का, बट हम हो गए लेट उठने में क्योंकि रात बच्चे थोड़ा लेट सोए, हम भी लेट सोए। तो अभी बस पहले हम जा रहे हैं आश्रम, मिलते हैं आपको सीधा आश्रम, उसके बाद हम जाएंगे ग्वाजी के। बोल दोबारा। और फ्रेंड्स हमारे साथ आज हमारा लड़ना भी है। आश्रम के दर्शन कर लिए, अभी हम आश्रम के बाहर है और आश्रम के बाहर होता है कचौड़ी वाला, क्योंकि सुबह ना एक तो उठने में लेट हो गया हमें, तो हम जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गए, कुछ भी नहीं खाकर, अब लग रही मुझे भूख और टाइम हो रहा है अभी 9:45 बज गए हैं, तो हम सोच रहे हैं अब हम सीधा बुआजी के जाएंगे, तो उससे पहले हम एक एक कचौड़ी खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही मुझे बहुत तेज। और आज ना मैं अटरम शटरम भी नहीं रख के लेके आई, सिर्फ बच्चों के लिए ना बिस्किट वगैरह रख के लाई थी, और आश्रम से बनाना मिला था और आश्रम से मिली थी खीर, तो हमने सिर्फ ना एक ही दोना खीर का लिया था, वो मैंने खा लिया, बहुत यम्मी खीर थी। और अभी बस एक एक हम खस्ता खाएंगे, उसके बाद हम निकलेंगे सीधा बुआजी के घर के लिए। तो चलिए खाते हैं कचौड़ी और आलू की सब्जी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी खस्ता कचौड़ी। चीकू आप क्यों रो रहे हो? मम्मा ने मारा, मम्मा तो नहीं मारती। और चीकू यहाँ पर उदास हो गई है थोड़ी सी, इसको चुप कराते हैं और खाते हैं अभी ये खस्ता। ये कैसे खा रही है इतनी मिर्ची। हम आ चुके हैं दादी बुआ के घर, बुआजी के घर, और हाँ, और ये देखिए चीकू यहाँ बैठी है और ये नित्या यहाँ घूम रही है और बुआजी लग रही है वहाँ। आज बुआजी ने बनाई है हमारे लिए दाल बाटी, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। कुछ नहीं कुछ नहीं, और अभी बन रही है चाय, क्योंकि
हम सुबह चाय वगैरह कुछ नहीं पी के आए थे, इसलिए मैंने आपको बताया था। अभी बस थोड़ी थोड़ी हम चाय लेंगे, उसके बाद हम दाल बाटी खा के घर जाएंगे। नित्या, हाँ बद्दी भी बना रही है चाय हमारे लिए, ये देखिए। बुआ जी ने लंच में बना रखा था मेरा फेवरेट दाल बाटी। बुआ जी ने बनाई थी आलू की बाटी, प्लेन बाटी और मटर वाली बाटी, और दाल और हरी चटनी और प्याज का जो सैलड बनाया था ना टुकटुक दी ने बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, और साथ में थे जीरा राइस, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फेवरेट जब आपको मिल जाता है ना आपका खाना, मज़ा आ गया था। और मतलब इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, और ना मैंने घी कम डलवाया था, बुआ जी ने बहुत ज़्यादा उसमें घी डाल दिया था, क्योंकि बाटी का मज़ा देसी घी का ही आता है। तो गर्मा गर्म यहाँ पर हमने किया था लंच, और लंच करने के बाद ना हम मतलब थोड़ी देर में चले गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मतलब मंडे को है नित्या का एग्ज़ाम। तो बस हम लोग ने लंच किया और फिर हम लोग चले गए थे घर। तो चलिए अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी दाल बाटी। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है नाइट टाइम, और रात के हो रहे हैं अभी 8:30, और हम आ गए थे बुआजी के यहाँ से, हम आ गए थे 3:30 या 4:15 बजे हम आ गए थे, और आप इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि सुबह के हम उठ चले गए थे, तो हम आके सो गए थे। और पेट ना अब तक मतलब दाल बाटी खाने का अब तक हमारा फुल है, बिल्कुल भूख नहीं लग रही। बट मैंने अभी रात के डिनर के लिए बनाई थी आलू मटर टमाटर और सिंपल पराठे और कुछ नहीं, तो मैं सोच रही हूँ 1-2 पराठा मैं खा लेती हूँ, वरना मुझे रात को ना आधी रात भूख लगती है। तो बस ये था मेरा मतलब 2 दिन का व्लॉग, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और एक और अपडेट, कल से है नित्या के एग्ज़ाम, तो बस उसके एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। और बस आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।